हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं लेंथ यूनिट के लिए जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको याद करने की ट्रिक है वो आप मेरे लाइव क्लासेस के वीडियोस में आप देख सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देखिए, यहाँ जो लेंथ यूनिट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला 4F1 to 14, 5D0 to 1 एंड 6H2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है। 0 to 1 5D 0 to 1। अब देखिए, यहां इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप राइट कर लीजिए, जैसे मैंने यहां राइट कर रखा है इसमें, ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट है जिनके 5D के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, ये मैंने यहां मार्क कर रखे हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन वन बाय वन यहां फिल करते चलेंगे। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूं, पहले आपको वापस समझा देता हूं, बहुत ही इजी वे में ये ट्रिक समझा रखी है आपको, इजी वे में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या याद करना है, एक तो याद करना है इन एलिमेंट्स की ट्रिक कि किस तरह से ये एलिमेंट इजी वे में आप याद कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद होनी जरूरी है। इसके बाद में आपको ये याद होना जरूरी है कि सेरेनियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम के 5D ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो रिमेनिंग है उन सभी में 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा डी के अंदर। तो मैंने 5D को पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ऐसे गैडोलिनियम में इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया और ऐसे ही ल्यूटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। अब मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करने चालू किए एफ ऑर्बिटल में। अब कैसे, देखिए 54 जीनोन, इस सेरेनियम से पहले जो नोबल गैसेस आ रही है वो जीनोन है, जिसका एटम नंबर है 54। तो यहां देखिए, यहां 54, 56, 57 एंड 58। सिमिलरली 56 हो गया और फिर रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बचे वो किसमें चलेंगे, 4F के अंदर, तो वो हो गया 4F। ऐसे अगर मैं बात करूं 60 एटम नंबर की, तो यहां हो गया 4, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 7। अब भैया गैडोलिनियम, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर देखिए मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं 54 था, 54 जीनोन का हो गया, जीनोन का इतना हो गया 54। अब देखिए आगे 56, 57 और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए वो कितने बच गए भैया, 7, कितने हो गए 64। तो गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो हो गया 6s2 5d1 4f7। क्या क्लियर है क्या? अब आगे चलिए, यहां डी जीरो है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ही बचेगा, 8 हो जाएंगे और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये इस तरह से इस 65 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर आगे चलिए 10 11 12 13 और 14। अब इटरबियम के बाद में जो YB70 वाला एटम नंबर वाला एलिमेंट है, उसके बाद में जो एलिमेंट आ रहा है ल्यूटेशियम, उसमें रहेगा भैया 4F14। और इसका रीजन क्या है, वही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 4F7 और फुली फिल्ड ऑर्बिटल 4F14, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए यहां एक इलेक्ट्रॉन किसमें रखा जा रहा है बच्चों, डी के अंदर रखा जा रहा है। तो ये था अपने पास लेंथ यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा है वो इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और बहुत सारे बच्चों के पास इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।